हम देखते हैं कि गोकू लियो से बात कर रहा होता है और लियो उसे सारी बात बताता है और कहता है, मैं बस टेंजो को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास अब सिर्फ वही है जिसे कि मैं खोना नहीं चाहता। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे फू को मारना है। इस पे लियो कहता है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो को होश आता है और वो सोचता है, क्या मैं वाकई में उसे देख रहा था? शायद मैं अब समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है और तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गोकू, ये सिर्फ मुसीबत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानता हूँ राउसा अकेला नहीं होगा। अगर मैं उसे मारता हूँ तो बाकी सभी भी हमारे पीछे ज़रूर पड़ जाएंगे। हमें सभी का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है हम ये मिलकर कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि इस प्लैनेट पे आ जाता है और कहता है, ये जगह तो काफ़ी अजीब है। इस पर ट्रंक्स कहता है, डैड, इस जगह की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, लगता है यहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है। इस पर लॉक कहता है, यहाँ पर पहले कुछ लोग रहते थे शायद। इस पर वेजिटा कहता है, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा अलग लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर ट्रंक्स कहता है, डैड क्या आप कुछ और सोच रहे हैं? इस पर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स सिर्फ यही बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और वजह है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि वेजिटा को देख के और बाकी सभी को देख के कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए? इस पर वेजिटा कहता है, तुम कौन हो और इस जगह को आखिर क्या हुआ? इस पर वो शख्स कहता है, तुम लोग घुस बैठी हो, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, समझे? क्या तुम सबको उसी ने भेजा है? इस पर ट्रंक्स कहता है, ये आखिर क्या कह रहा है? क्या ये पागल हो गया है? डैड, इस पर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स मेरी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ किसी की तलाश कर रहे हैं। इस पर लार्स कहता है, कहीं इन सबको राउसा ने तो नहीं भेजा लियो को ढूंढने के लिए? मैं समझ गया, ये शायद उसी के लोग होंगे जो कि लियो को ढूंढ रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। इसके बाद लॉक उससे कहता है, हमें तुमसे कुछ जानकारी चाहिए बस, और कुछ नहीं। इस पर लार्स कहता है, मैं समझ गया, ये जरूर उसी की चाल है। लार्स बिना कुछ सोचे समझे वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को अवॉइड करता है। इस पर ट्रंक्स कहता है, क्या तुम पागल हो? हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, समझे? लेकिन लार्स किसी की भी बात नहीं सुनता और वो वेजिटा पे कंटिन्यू अपना हमला करता रहता है। वेजिटा उसके सारे हमले को डॉच करता रहता है और कहता है, मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ, समझे? लार्स वेजिटा की बात नहीं सुनता और मनी मन सोचता है, ये तो काफी ताकतवर है। इसके बाद लार्स वेजिटा से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर आखिर किसने भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। इस पे वेजिटा कहता है, ये आखिर क्या बकवास कर रहा है? इस पे लार्स कहता है, मैं राउसा को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, उसने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। ये कहने के बाद लार्स अपना हमला वेजिटा पे करता है, जिससे कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इस पे ब्रोली कहता है, क्या ये क्या कर रहा है? इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वेजिटा उसके धमाके को डॉच करता है और ट्रंक्स से कहता है, नहीं ट्रंक्स, तुम रुक जाओ, मैं इसे देखता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि लार्स काफ़ी दूर जाके गिरता है और वेजिटा उसके पास जाता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे बेवकूफ? इस पे लार्स कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे बस कैकरोट के बारे में जानना है, समझे? इस पे लार्स कहता है, इसका मतलब तुम्हें राउसा ने नहीं भेजा? इस पे वेजिटा कहता है, क्या अब ये राउसा कौन है? इस पे लार्स कहता है, राउसा, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इस जगह की ऐसी हालत उसी ने की है, वो इस यूनिवर्स का ओमनी किंग है,
इस पे वेजिटा कहता है, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ, क्या तुमने किसी सैयन को देखा है? उसका नाम कैकरोट है। इस पे लार्स कहता है, लगता है ये शायद लियो की बात कर रहा है। इस पे वेजिटा फिर से उससे कहता है, मुझे बताओ, क्या तुमने ऐसे किसी को देखा है? इस पे लार्स कहता है, नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे वेजिटा कहता है, पता नहीं क्यों मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। लगता है हमें उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलें। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे डैड, मुझे लगता है ये शायद ठीक कह रहा है। हमें गोकू को कहीं और ढूंढना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, पता नहीं कैकरोट, आखिर तुम कहाँ हो? इसके बाद वेजिटा उन सभी से कहता है, ठीक है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। हमें यहाँ पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। इस पे लार्स कहता है, मैं किसी को भी अभी कुछ भी नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि लियो के रास्ते में कोई भी आए। मुझे उम्मीद है कि तुम टेंसो को बचाने में कामयाब हो पाओगे, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई भी नहीं बचा है लियो। उधर हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि उस प्लैनेट को देख रहा होता है और कहता है, मुझे उसकी बातों पे पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा। इस पर ट्रंक्स कहता है, डैड, हमें खुद गोकू को यहाँ पे ढूंढना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स, यहाँ पर कुछ और गड़बड़ है जो कि शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें लियो को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह से निकल जाता है और वो कहीं जा रहा होता है और कहता है, मुझे उसका पता लगाना होगा। लियो के काफी देर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि उस जगह की सभी एनर्जी एक जगह पे इकट्ठा हो रही है। लियो आखिरकार वहां जाता है और वो कहता है, तो ये है वो जगह, ये रहा वो एनर्जी सोर्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब भला आखिर कर कौन रहा है? इस पे तभी लियो के पीछे एक आवाज आती है और वो कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पे लियो कहता है, तो इन सब के पीछे तुम हो, ये सब तुम कर रहे हो। इस पे वो शख्स कहता है, हाँ, मैं हूँ कनार और मुझे महान किंग राउसा ने ये काम सौंपा है। लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुम कोई मॉर्टल नहीं होगे, कौन हो तुम? इस पे लियो कहता है, तो इन सब के पीछे राउसा है, लेकिन ये सब अब बंद होगा। इस पे कनार कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो? बच्चे, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इस पे लियो कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। राउसा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और इसके बदले मैं उसे बहुत बुरी सजा दूंगा। इस पे कनार कहता है, ये तो सच में कमाल हो गया। तुम सच में महान ओमनी किंग राउसा का सामना करोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? पहले मुझे तो हरा कर दिखाओ बच्चे। इस पे लियो कहता है, मैं वादा करता हूँ, तुम सभी ने जो कुछ भी किया है, तुम सबको उसके लिए बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा।